गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कौन सी रिवीजन की, कौन से पार्ट की? यस, हम लोगों ने वर्णमाला पार्ट में से स्वर जो होता है उसकी रिवीजन की। तो बच्चों, आज हम व्यंजन जो है उसकी रिवीजन करेंगे। किसकी रिवीजन करेंगे? तो आज हम वर्णमाला से में से दूसरा पार्ट जो है व्यंजन, उसकी रिवीजन करेंगे। बच्चों, आपको पता है व्यंजन मतलब क्या है? व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। बच्चों, आपको पता है टोटल कितने व्यंजन होते हैं? बताओ। यस, टोटल 36 व्यंजन होते हैं। टोटल कितने व्यंजन होते हैं? 36 व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, आज हम 36 में से इस लेक्चर में आधे व्यंजन पढ़ेंगे। तो उस 36 व्यंजन में से हम आज आधे व्यंजनों की रिवीजन लेंगे। आज हम क से द तक के व्यंजन पढ़ेंगे। आज हम कौन से व्यंजन पढ़ेंगे? क से द तक के। तो आप सब रेडी हो रिवीजन के लिए? व्यंजन की रिवीजन के लिए आप सब रेडी हो? वेरी गुड। तो चलो अब हम व्यंजन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला व्यंजन है क। क से कमल। क से कमल। कमल यानी लोटस। बच्चों, कमल एक फूल है, कमल एक फ्लावर है। क्या है? कमल एक फ्लावर है। बच्चों, आपको पता है हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यस, हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। यह फूल पानी में उगता है। कमल फूल कहाँ उगता है? कमल फूल पानी में उगता है। कमल का फूल सफेद या गुलाबी रंग का होता है। कमल का फूल सफेद या गुलाबी रंग का होता है। बच्चों, क्या आपने कमल का फूल देखा है? क्या आपको पसंद है कमल का फूल? मुझे बताओ, किसको किसको पसंद है? आप लोगों ने कमल का फूल देखा है? तो क से क्या आता है? क से कमल। कमल यानी लोटस। नेक्स्ट ख। ख से खरगोश। खरगोश यानी रैबिट। खरगोश एक प्राणी है। खरगोश एक पालतू जानवर है। खरगोश एक पालतू जानवर है जिसको हम घर में पाल भी सकते हैं। उस पालतू जानवर को घर में पाल भी सकते हैं। खरगोश को हम घर में पाल भी सकते हैं। कुछ लोग इसे पालते भी है, उसको घर पे रखते भी है। यह खरगोश व्हाइट कलर का होता है। खरगोश कौन से रंग का होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्या आपके घर में भी खरगोश है? क्या आप लोगों ने भी पाल रखा है खरगोश को? बच्चों, मुझे बताओ, आप लोगों ने खरगोश को कभी देखा है? आप लोगों ने तो खरगोश को देखा ही होगा। तो ख से क्या आता है? ख से खरगोश। खरगोश यानी रैबिट। नेक्स्ट ग से गमला। बच्चों, आपको पता है गमला क्या होता है? जिसमें हम फूल उगाते हैं ना, जिसमें हम मिट्टी डाल के फूल उगाते, उस गमले में मिट्टी डालते और उसमें फूल उगाते। हमारे घर में भी गमला होगा। गमला को फ्लावर पॉट भी बोला जाता है। गमले को फ्लावर पॉट भी बोला जाता है। क्या आपके घर में गमला है? स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, आपके घर में भी गमला है? सकते, घर के बाहर भी हम लोग गमला रख सकते हैं। गमला प्लास्टिक से बना होता है या मट्टी से बनाया होता है? गमला किससे? प्लास्टिक का होता है या नहीं तो मट्टी से बनाया होता है। उसमें हम लोगों को मिट्टी डाल के हम उसमें फ्लावर जो है वो उगाते हैं। ठीक है, तो ग से क्या होता है? ग से गमला। ग से गमला। नेक्स्ट है घ। घ से घड़ी। घड़ी यानी वॉच।
आजकल तो घड़ी सबके पास होती है स्टूडेंट्स, आजकल तो घड़ी सबके पास होती है, सबके हाथ में और सबके घर में भी होती है। आजकल तो सबके हाथ में और सबके घर में तो घड़ी होती ही होती है। घड़ी का इस्तेमाल टाइम देखने के लिए किया जाता है। घड़ी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? घड़ी का इस्तेमाल टाइम देखने के लिए किया जाता है। घड़ी से हमें सही वक्त का पता लगता है। घड़ी से हमें सही वक्त का पता लगता है कि कितना टाइम हो गया, उससे हमें घड़ी से क्या सही वक्त का पता लगता है। हमारे पास घड़ी होना आवश्यक है। आजकल तो सबके पास घड़ी होते रहे, हमारे पास घड़ी होना आवश्यक है, उससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि कितना टाइम हुआ। और टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चों घ से क्या आता है? घ से घड़ी, घड़ी यानी वॉच। नेक्स्ट अंग। अंग से कोई शब्द नहीं बनता पर इसे बिंदी के रूप में जोड़ा जाता है। अंग से कोई शब्द नहीं बनता, इसे बिंदी के रूप में जोड़ा जाता है, जिसे अनुस्वर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? अनुस्वर। इससे उस अक्षर की आवाज बदलती है, इससे उस अक्षर की आवाज बदलती है। जैसे कि गंगा, जंगल, चंदा। नेक्स्ट है च। च से चम्मच। चम्मच यानी स्पून। चम्मच का इस्तेमाल हम खाना खाने के लिए करते हैं। चम्मच का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? चम्मच का इस्तेमाल हम खाना खाने के लिए करते हैं। जिसको हाथ से खाना खाना पसंद नहीं वो चम्मच से खाना खाता है। जिसको हाथ से खाना खाना पसंद नहीं वो किससे खाता है? वो चम्मच से खाना खाता है। बच्चों आपने कभी चम्मच से कुछ खाया है? आप लोगों ने चम्मच से जरूर कुछ खाया ही होगा। आप लोगों को पसंद है चम्मच से खाना खाना? मुझे बताओ किसको किसको पसंद है। यस, तो च से क्या आता है? च से चम्मच। चम्मच यानी स्पून। नेक्स्ट छ। छ से छाता। छ से छाता, अम्ब्रेला। बच्चों मुझे बताओ छाते का इस्तेमाल कब किया जाता है? जी हाँ, छाते का इस्तेमाल बारिश से बचने के लिए किया जाता है। छाते का इस्तेमाल बारिश से बचने के लिए किया जाता है। और अभी तो बारिश का मौसम भी चालू है, तो अभी सब लोग छाता तो यूज करते ही होंगे ना। और बारिश के मौसम में हम छाते का इस्तेमाल करते हैं। और बारिश के मौसम में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? छाते का इस्तेमाल करते हैं। आप सबके पास छाता तो होगा ही ना स्टूडेंट्स? आपके पास छाता है? अभी तो अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कलर के छाते मिलते हैं। आपके पास कौन से कलर का छाता है? यस, तो छ से छाता। छाता यानी अम्ब्रेला। नेक्स्ट ज। ज से जग। ज से जग। जग में हम पानी रखते हैं। जग में हम क्या रखते हैं? पानी रखते हैं। जग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मुझे बताओ, मुझे बताओ जग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यस, जग का इस्तेमाल पानी रखने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स आपके घर पे तो जग होगा ही, जिसमें हम आप लोग पानी रखते होंगे और उसमें से पानी पीते होंगे। मुझे बताओ किसके किसके घर पे जग है और किसने किसने जग से पानी पिया है? अच्छा, तो ज से क्या आता है मुझे बताओ? यस, ज से जग। ज से जग। नेक्स्ट झ। झ से झंडा। झ से क्या आता है? झंडा। बच्चों स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारे भारत देश का झंडा देखा है? मुझे बताओ किसने किसने देखा है हमारे भारत देश का झंडा? और आपको पता है हमारे भारत देश के झंडे को क्या बोलते हैं?
उसको तिरंगा बोलते हैं। झंडे को क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। उसमें कितने कलर होते हैं, कितने रंग होते हैं? यस, उसमें तीन रंग होते हैं। पहला होता है केसरिया, दूसरा होता है सफेद और तीसरा होता है हरा। जो सफेद रंग होता है ना बीच में, उसके बीच में होता है, सफेद रंग के बीच में अशोक चक्र। तो झ से क्या आता है मुझे बताओ? झ से झंडा। झ से क्या आता है? झ से झंडा। नेक्स्ट य, पहले हमने अनुस्वर देखा, ये आधा अनुस्वर है। पहले हम लोगों ने क्या देखा? अनुस्वर देखा। ये अभी जो है वो आधा अनुस्वर है। इसे अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदी के रूप में लिखा जाता है। इसे अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदी के रूप में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। जैसे उदाहरण, गाव, पाव। तो बच्चों ये कौन सा स्वर है? य। कौन सा स्वर है? य। इसको आधा चंद्र बिंदी के रूप में लगाया जाता है, उसको आधा चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट है ट। ट से टमाटर। ट से टमाटर। टोमेटो, जिसको हम टोमेटो भी बोलते हैं। बच्चों आपको पता है टमाटर कैसा होता है? मुझे बताओ टमाटर कैसा होता है? टमाटर लाल रंग का होता है। टमाटर लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। और टमाटर जो होता है वो गोल होता है। टमाटर कैसा होता है? टमाटर गोल होता है। आपको पता है टमाटर की चटनी भी बनाते हैं। टमाटर की चटनी भी बनाते हैं। और टमाटर हम सब्जी बनाते वक्त डालते हो। टमाटर का इस्तेमाल हम सब्जी बनाते वक्त डालते हैं। और स्टूडेंट्स, टोमेटो का केचप भी होता है। आप लोगों ने टोमेटो का केचप खाया ही होगा। और कुछ लोगों को टोमेटो का केचप भी पसंद है। तो ट से क्या आता है? ट से टमाटर। टमाटर यानी टोमेटो। नेक्स्ट ठ। ठ से ठेला। से ठेला। बच्चों आपने कभी ठेले वाले को देखा है? मुझे बता, आप लोगों ने कभी ठेले वाले को देखा है? बच्चों सब्जी वाले, फ्रूट वाले जो होते वो ठेले का इस्तेमाल करते। जो सब्जी वाले होते, फ्रूट वाले होते ना, वो ठेले का इस्तेमाल करते अपनी सब्जी फ्रूट रखने के लिए। अपनी सब्जी और फ्रूट रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते? वो ठेले का इस्तेमाल करते। आपने तो ठेले वाले को रास्ते पे सब्जी फ्रूट लाते हुए देखा ही होगा। आप लोगों ने देखा ही होगा ना सब्जी वाले को रास्ते पे फ्रूट या सब्जी बेचते हुए। वो ठेले में ही बेचता है ना सब्जी और फ्रूट। तो ठ से क्या आता है? ठ से ठेला। नेक्स्ट ड। ड से डमरू। ड से डमरू। ड से डमरू भी होता है और ड से डफली भी होती है। डफली एक संगीत वाद्य। डफली एक संगीत वाद्य है। डफली का इस्तेमाल गाना गाते वक्त बजाया जाता है। जब गाना गाते हैं तब उस पे गाना गाते वक्त डफली को बजाया जाता है। गाना गाते वक्त किसको? डफली को बजाया जाता है, जिससे गाना और अच्छा लगने लगता है। जिससे गाना और अच्छा लगने लगता है। तो ड से क्या आता है? ड से डफली भी होता है, ड से डमरू भी होता है। नेक्स्ट ढ। ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन भी होता है, ढ से ढोलक भी होता है। ढोलक ये भारतीय वाद्य यंत्र है। ढोलक एक भारतीय वाद्य यंत्र है। ये हाथ या छड़ी से बजाया जाता है। ढोलक हाथ या छड़ी से बजाया जाता है।
यह लोक संगीत या भक्ति संगीत को ताल देने का काम करता है। यह एक लोक संगीत या भक्ति संगीत को ताल देने का काम करता है। ढोल के अलग अलग तरह की छड़ियां होती है। ढोल की अलग अलग तरह की छड़ियां होती है। यह छड़ी लकड़ी की होती है। छड़ी किसकी होती है? छड़ी लकड़ी की होती है। तो ढ से क्या? ढ से ढोलक। ढ से क्या आता है? ढ से ढोलक। नेक्स्ट है र। र से कोई शब्द नहीं है। र से कोई शब्द नहीं है, पर र कुछ शब्दों के बीच में या आखिर में आता है। र कुछ शब्दों के बीच में या आखिर में आता है। जैसे गण, जैसे हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, जन गण, वैसे। उसके बाद बाण, धनुष बाण होता है ना वो, ये इसका इस्तेमाल शब्दों के बीच में या आखिर में आता है। ण जो होता है वो शब्दों के बीच में या आखिर में आता है। तो ये कौन सा व्यंजन है? ण। नेक्स्ट है त। त से तरबूज। त से तरबूज। तरबूज यानी वाटरमेलन। तरबूज यानी वाटरमेलन। बच्चों, क्या आपने तरबूज खाया है? क्या आपको तरबूज खाना पसंद है? क्या आपको तरबूज खाना पसंद है? तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल रंग का होता है। तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल रंग का होता है, परंतु अंदर से लाल और पानी से भरपूर वो मीठा होता है। परंतु अंदर से लाल और पानी से भरपूर वो मीठा होता है। तरबूज कैसा होता है? तरबूज मीठा होता है। क्या आप लोगों ने तरबूज खाया है कभी? Yes, तो त से क्या आता है? त से तरबूज। तरबूज यानी वाटरमेलन। नेक्स्ट थ। थ से थर्मस। थ से थर्मस। थर्मस एक स्टील की बोतल होती। थर्मस एक स्टील की बोतल होती है जिसमें अगर गर्म पानी डाला जाए तो वह गर्म पानी बहुत देर तक गर्म ही रहता है। अगर उसमें गर्म पानी डाला जाए तो वह पानी बहुत देर तक गर्म ही रहता है, और उसमें ठंडा पानी डाला जाए तो वह पानी बहुत देर समय तक ठंडा ही रहता है। क्या आपने कभी थर्मस की बोतल इस्तेमाल की है? मुझे बताओ, किसने, आप लोगों ने कभी थर्मस की बोतल इस्तेमाल की है, उसमें से पानी पिया है? आपको तो पता है, अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किए तो आपको पता ही होगा, उसमें अगर गर्म पानी डाला जाए तो वह बहुत लंबे समय तक गर्म ही रहता है पानी थर्मस की बोतल में, और ठंडा पानी डाला जाए तो वो ठंडा पानी बहुत देर तक ठंडा ही रहता है। तो थ से थर्मस। नेक्स्ट द। द से दवांत। द से दवान, जिसको इंक पॉट भी कहते हैं, जिसको इंक पॉट भी कहते हैं। दवांत में पेन में डाली जाने वाली स्याही रहती है। दवांत में पेन में डाली जाने वाली स्याही रहती है। दवांत का इस्तेमाल पुराने जमाने में लेखन करने के रूप में किया जाता था। दवांत का इस्तेमाल पुराने जमाने में लेखन करने के रूप में किया जाता था। तो द से क्या आता है? द से दवान, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंक पॉट भी बोलते हैं। बच्चों, आपको क से द तक समझ आ गए व्यंजन? ठीक है। पेज नंबर 3, पाठ पहला, हिंदी वर्णमाला। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको स्वर की रिवीजन ली थी, और इस लेक्चर में मैंने आपको व्यंजन सिखाया क से द तक, वो आपको समझ आ गया? वेरी गुड। अभी मैं व्यंजन आपको पढ़ के दिखाती हूँ, आप मेरे पीछे पढ़ना, ठीक है? क
क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द। स्टूडेंट्स अभी आप लोग मुझे आंसर देना, क से क्या आता है, ख से क्या आता है वो, ठीक है। क से यस, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा, य ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डफली, ढ से ढोलक, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवांत। स्टूडेंट्स मैंने आज जो आपकी रिवीजन ली क से द तक, वो आपको समझ आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम ध से ज्ञ तक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जो रिवीजन ली स्वर की, और आज जो सिखा है व्यंजन क से द तक, ये दोनों स्वर और आधे व्यंजन जो है वो आपको घर पे लर्न करना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको लिखने का होमवर्क नहीं, आपको सिर्फ स्वर और व्यंजन जो मैंने सिखाया वो घर पे जाके रीड करना है और लर्न करना है। समझ गए? थैंक यू।